हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेड वेलवेट केक की रेसिपी। और एकदम से सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं एकदम से स्पॉन्जी है। एगलेस केक की रेसिपी है ये, विदाउट एग के हम इसे बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि एकदम कंप्लीट कुक है, बिल्कुल भी मतलब कच्चा नहीं है, बेस से नहीं है और ऊपर से जला नहीं है, और एकदम से सॉफ्ट है। जैसा हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर भेजें। तो चलिए केक की रेसिपी शुरू करते हैं। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेनर ले लेंगे और एक कप हमने मैदा लिया है। इसमें एक टेबल स्पून हम इसमें कोकोआ पाउडर लेंगे, ये एक बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून है ये हम ले लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा लेंगे, 1 पिंच हम इसमें सॉल्ट ले लेंगे, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेंगे। अब सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से स्टेन कर लेंगे। आप 1 से 2 बार इसे अच्छे से छान सकते हैं ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाए और ये जो हमारा लम्प्स है ये बिल्कुल भी ना रहे, वरना केक ख़राब हो जाएगा। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरीके से, बिल्कुल ही एक जैसा एक समान आपको मिक्स करके इसे एक तरफ रख लेना है। अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें 1/2 कप हमने फ्रेश दही लिया है, एकदम से ताज़ी दही लेनी ज़रूरी है। और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लें, इस तरीके से फेंट लेना है आपको दही को। आप विस्कर का भी हेल्प ले सकते हैं इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के लिए। 1/2 कप हमने पाउडर शुगर लिया है, 1/2 कप शुगर को लेके उसका पाउडर बना लें और फिर उसे इसमें आप ऐड कर दें। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, किसी तरीके का लम्स ना रहे इस बात का ख़ास ध्यान रखना आपको। आपका केक भी एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लें या सनफ्लावर ऑयल लें, आपको जो भी लेना है वो ले लें। 1/4 कप हमने लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और वो जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था तो हम एक साथ थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इस तरीके से थोड़ा कट करते हुए, कट एंड फोल्ड तरीके से हमने इसे मिक्स करना है। लम्प्स फ्री आपको एक बैटर तैयार करना और बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, वरना आपका जो केक रहेगा वो हार्ड हो जाएगा। 1/4 कप हमने नॉर्मल मिल्क लिया है क्योंकि हमारा जो केक बैटर था वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, तो उसकी कंसिस्टेंसी को हमने ठीक करने के लिए 1/4 कप, और ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच आप और दूध ले सकते हैं। अब रेड वेलवेट केक बना रहे तो रेड कलर लें, आप रेड लिक्विड कलर ले सकते हैं, मैंने ड्राई रेड कलर लिया है, फूड कलर। और इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब सारी चीज़ों को हमने एक केक मोल्ड में डालना है, तो मेरा केक मोल्ड जो है वो 6 इंच का है और इसे हम ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे। और इसमें हमने बटर पेपर बिछा लिया, इस पर भी ऑयल या बटर जिससे भी आप ग्रीसिंग करना चाहें कर ले, और जितना हमारा बैटर है उसे इसमें हम डाल देंगे। आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपका केक पैन जो है वो बड़ा होगा, 6 इंच से बड़ा होगा, तो आपको कुकिंग टाइम थोड़ा कम लगेगा। इसे इस तरीके से हमें टैप कर देना है 2-3 बार। अब हम ओवन को प्रीहीट करेंगे। कन्वेक्शन मोड पे हम 150 डिग्री पे जाएंगे और इसे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। आप ध्यान रखें कि हमने 150 डिग्री ही लिया है, 180 डिग्री या 160 डिग्री पे बेक अभी नहीं करेंगे, 150 डिग्री पर ही हम इसे बेक करेंगे। ओवन हमारा प्रीहीट हो गया है। लो रैक पे हमने तवा रखा है, क्रस्टी तवा जो हमारा आता है, और साथ में हमने इसे डाल दिया है। और ओवन को में अब हम इसे वापस से समझिए 30 मिनट्स के लिए हम एक बार बेक करेंगे। अगर केक हमारा कच्चा रहेगा तो कुछ देर के लिए और बेक कर लेंगे। 30 मिनट लगभग हो गए हैं और केक जो है वो भी हमारा बेक हो गया है, तो अब हम ओवन को बंद करके एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके से कोई भी टूथपिक वगैरह ध्यान से डालें, ओवन गर्म होता है, तो ये अंदर से अभी थोड़ा कच्चा है, हम देख रहे हैं कि इसमें लिक्विड जैसा है, तो इसे मैं कम से कम 15 मिनट के लिए और बेक करूँगी। वापस से 150 डिग्री पे जाएंगे, 150 डिग्री, और 15 मिनट के लिए हमने इसे बेक किया, एक बार 10 मिनट और उसके बाद हमने और 5 मिनट के लिए बेक किया, यानी कंप्लीट हमने जो बेक किया है वो 45 मिनट्स के लिए बेक किया है। और हमारा जो केक है एकदम कम्प्लीट अच्छे से बेक हो गया, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। और देखिए मैं
आपको एक बार और दिखा रही हूँ, इस बार कंप्लीट कुक है। तो हम इसे ढक देंगे, अभी इसे डिमोल्ड नहीं करेंगे, एक डैम क्लोथ है इसे ले लेंगे और इस तरीके से इस पर डालकर इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे ये होता है कि ऊपर के जो लेयर होती है ये हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अब केक भी थोड़ा ठंडा हो गया, तो एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे, अब डिमोल्ट करना हमें तो हम निकाल लेंगे और एक प्लेट वगैरह रख कर इसे हम डिमोल्ट कर लेंगे। हल्का सा टैप करेंगे, ज़्यादा टैप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और केक हमारा एकदम अच्छे से निकल आएगा। वाह, ये देखिए एकदम से बेहतरीन केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं, इस तरीके से इसे हटा लेंगे केयरफुली। वाह देखिए एकदम से फुल्ली कुक है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी आपको केक जो है अनकुक्ड नहीं है और जला भी नहीं है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जला नहीं है, जालीदार केक हमारा बना है और एकदम से सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी एगलेस केक है लेकिन एकदम से सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से केक ज़रूर ट्राई करें, इस रेड वेलवेट केक। और इसकी हम ऊपर की लेयर हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसे थोड़ा सजाना है। एक और हिस्से में हम इसे कट कर देते हैं, हमने इसे दो पीसेज में कट किया है और ये देखिए अंदर से भी एकदम कंप्लीट कुक भी है और जालीदार भी है। बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं। तो अब हम इसमें व्हिप क्रीम थोड़ा सा लगा लेते हैं और इस पे एक लेयर रख देते हैं, इधर भी हम व्हिप क्रीम लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसमें शुगर सिरप की को लगा लेंगे और शुगर सिरप आप पानी में थोड़ा सा चीनी को घोल लें तो उससे तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें व्हिप क्रीम लगा देते हैं। व्हिप क्रीम की रेसिपी आप इजीली मार्केट में मिलता है और आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। दोबारा दूसरे लेयर पर भी हम शुगर सिरप को लगा देते हैं, व्हिप क्रीम लगा लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारा जो केक का ऊपर से लेयर रह गया था उससे हम इसे सजा लेंगे। आप जिस तरीके से चाहे सजा सकते हैं, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। एकदम से सॉफ्ट है और बिल्कुल मार्केट जैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। आपको केक बनाते समय सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो केक मोल्ड है वो बड़ा है, अगर पैन बड़ा है तो आपको कुकिंग टाइम कम लगेगा। जैसे मुझे 45 मिनट्स लगा है, मगर आपको हो सकता है 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में ही तैयार हो जाए। तो आफ्टर 30 मिनट्स आप इसे चेक करते रहें और चेक करने के बाद ही आप इसे बनाएं। अगर ये कच्चा रह गया है तो उस हिसाब से आपको उसे बेक करना पड़ेगा। मगर आप जितना मैंने आप बनाया है एक कप मैदे का और 6 इंच ही आपका केक मोल्ड है तो आपको 45 मिनट्स ही लगेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।